हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 77 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता परी आखिर कहना क्या चाह रही है। रोहन: परी साफ साफ समझाओ ना, मैं कुछ समझा नहीं। परी: रोहन, मेरी और चीनू की पहले भी इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है। जहां मैं राजीव से हीरा नहीं लेना चाहती हूं, वहीं चीनू कैसे भी करके मेरे लिए वह हीरा राजीव से वापस लेना चाहता है। चाहे इसके लिए उसे राजीव की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, वह पीछे नहीं हटेगा। अब तक मेरी वजह से वह चुप था, लेकिन तुम लोगों ने आगे होकर उसे यह मौका दे दिया, वह पीछे नहीं हटेगा। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलकर यह सब रोकना होगा, राजीव की जान को खतरा है। रोहन यह बात सुनकर घबरा जाता है और वह परी को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकलता है। रोहन हॉस्पिटल पहुंचकर गाड़ी साइड में लगाता है और वे दोनों हॉस्पिटल की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। चलते चलते परी अचानक से नीचे गिर जाती है। रोहन: क्या हुआ परी तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? परी: रोहन, मेरे पैरों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी चल सकूं। इतना सुनते ही रोहन परी को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। रोहन और परी को इस तरह आता हुआ देख निहारिका चौंक जाती है। रोहन परी को ध्यान से कुर्सी पर बैठाता है। निहारिका रोहन के पास जाकर उससे पूछती है: इसे क्या हो गया, तुम इसे ऐसे क्यों लेकर आए हो? रोहन: कुछ नहीं, परी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। परी धीरे धीरे उठकर उन दोनों के पास आती है। परी की आंखों में आंसू होते हैं। परी: राजीव कहाँ है, वह कैसा है? निहारिका: डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट कर लिए हैं और तुम दोनों के आने के 5 मिनट पहले ही बस उसे सामने ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। इतना सुनते ही परी घबराती हुई ऑपरेशन थिएटर के पास जाती हैं और वहाँ जाकर जोर जोर से उसके गेट को बजाने लगती हैं। परी: प्लीज़ गेट खोलो, प्लीज़ राजीव मत करवाओ ये ऑपरेशन, गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। परी को इस तरह रोती हुई चिल्लाती हुई देख निहारिका हैरान हो जाती हैं। रोहन और निहारिका भागते हुए परी के पास जाते हैं। निहारिका: रोहन, ये लड़की पागल हो चुकी है, ये क्या कर रही है? या इसे बताओ यह हॉस्पिटल है, इसका घर नहीं। रोहन परी को पकड़कर अपने पास लेकर आता है। परी: क्या कर रही हो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ इस तरह शोर करना मना है। परी रोहन की कोई बात नहीं सुनती और वापस गेट खोलने की कोशिश करने लगती है। परी गेट के कांच पर अपने दोनों हाथ रखकर आंखें बंद करती हैं और चीनू से बात करने की कोशिश करती हैं। चीनू: प्लीज़ मत करो ऐसा, मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, वह मर जाएगा चीनू, प्लीज़ गेट खोलो, मत करो ऐसा कुछ भी। चीनू परी की आवाज़ सुन सकता था लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और परी को अंदर ही अंदर राजीव को खोने का डर खाया जा रहा था। तभी निहारिका को इस तरह परी का चिल्लाता हुआ देख गुस्सा आता है और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती हैं, सब कुछ वहाँ अपनी जगह थम जाता है। निहारिका रोहन अपनी जगह रुक जाते हैं। अंदर सारे डॉक्टर भी मूर्ति की तरह अपनी अपनी जगह जम जाते हैं। परी अपने आसपास जब सबको इस तरह रुका हुआ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि चीनू ने अपना काम चालू कर दिया है। परी जोर जोर से रोती हुई चीनू से बोलती है: प्लीज़ चीनू, मत करो ऐसा, मर जाएगा वो। चीनू: यह तुम्हारी राजकुमारी का आदेश है, गेट खोलो, बाहर आ जाओ प्लीज़। चीनू परी की बात सुनते हुए बोलता है: मुझे माफ़ कर देना राजकुमारी, इस बार मैं आपका आदेश नहीं मान सकता। एक अंगरक्षक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए या मुझे किसी और की जान लेनी पड़े, लेकिन मैं अपनी राजकुमारी को बचाने में पीछे नहीं हटूंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर परी रोते हुए बेबसी के साथ नीचे गिर जाती हैं और वह बार बार बस चीनू को हीरा लेने के लिए मना कर रही थी। वहीं अंदर ऑपरेशन थिएटर में राजीव एक बड़े से स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था
दवाई की वजह से वो उस टाइम बेहोश था। चिनू राजीव के ऊपर उसके दिल के पास आता है और आंखें बंद करके अपनी शक्ति से उस हीरे को राजीव के दिल से निकालने लगता है। चिनू की शक्तियों की वजह से वो हीरा अपनी जगह से हिलने लगता है और धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और इस वजह से राजीव की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। इतने दिन परेशान से दूर रहने पर और अपनी थोड़ी सी ताकत शक्तियाँ परी को दे देने से चिनू की शक्तियाँ भी कमज़ोर हो रही थी। चिनू पूरी ताकत से कोशिश करता है और एक तेज रोशनी के साथ हीरा बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही पूरा ऑपरेशन थिएटर तेज सफेद चमकदार रोशनी से भर जाता है। बाहर परी जब अपने आसपास इतना सारा उजाला देखती हैं तो समझ जाती हैं कि चिनू ने हीरा राजीव के दिल से निकाल लिया है और अंदर राजीव की सांसें उखड़ जाती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। राजीव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बस कुछ पल और उसके पास बचे हैं। तभी चिनू को बाहर से परी की आवाज़ सुनाई देती है। परी चिनू से कह रही थी, चिनू मत करो ऐसा, अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मत करो कुछ भी ऐसा। परी की बात सुनकर चिनू राजीव के पास जाता है और उसके सर से अपना सर लगाकर अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत राजीव को दे देता है। इन सब के बाद धीरे धीरे चिनू की हालत ख़राब होने लगती है। वो भी अब परी की तरह कमज़ोर होने लगता है। चिनू अब अपने आसपास देखता है और हर तरफ फूंक मारते हुए बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। चिनू के नीचे गिरते ही सब चीज़ें अपनी अपनी जगह नॉर्मल हो जाती हैं। निहारिका हिलकर परी को पकड़ने लगती हैं, लेकिन परी नीचे बैठी हुई होती है। वहीं अंदर सारे डॉक्टर्स भी अपनी अपनी जगह हिलने लगते हैं और चिनू की जादू की वजह से उन सबको लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन करके वह टुकड़ा निकाल दिया है। रोहन परी को इस तरह नीचे गिरा हुआ देखकर सहारा देकर उसे उठाता है और निहारिका को परी से दूर करके दूसरी तरफ ले जाकर कुर्सी पर बैठाता है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी हुई रेड लाइट बंद हो जाती हैं। ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है, एक नर्स वहाँ से बाहर निकल कर आती है। उसके हाथ में चिनू होता है, जिसे वह परी को देखकर वापस अंदर चले जाती हैं और अंदर जाकर सब कुछ भूल जाती हैं। तभी डॉक्टर साहब वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं, उनको बाहर आता दी। निहारिका, रोहन, परी तीनों उनके पास जाते हैं और वे तीनों एक साथ उनसे राजीव के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, राजीव भी बिल्कुल ठीक है। दो दिन वह हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा, उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। हाँ, बस आपको ध्यान रखना होगा कि वह पूरा आराम करे। यह बात सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। निहारिका, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत मदद करी है। डॉक्टर साहब, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, या तो हम डॉक्टर्स का फर्ज होता है। रोहन, डॉक्टर हम अपने भाई से मिल सकते हैं? डॉक्टर साहब, देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते, आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही रोहन भागकर निहारिका को गले से लगा लेता है और इस तरह गले लगाए जाने से निहारिका हैरान हो जाती है। रोहन थोड़ा इमोशनल होते हुए निहारिका को बोलता है, थैंक यू निहारिका, तुमने बहुत मदद करी है हमारी, थैंक यू एंड सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह यूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रोहन की बात सुनकर निहारिका उसे कुछ नहीं बोलती, बस रोहन की बाहों में अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं परी राजवीर के ठीक होने की खबर सुनकर खुश होती हैं, लेकिन चिनू को इस तरह देखकर परेशान हो जाती हैं। रोहन निहारिका से अलग होकर परी के पास आता है। रोहन, क्या हुआ परी, तुम परेशान लग रही हो, अब तो चेहरे पर स्माइल लाओ, भाई बिल्कुल ठीक है। रोहन की बात का परी कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखों में आंसू अभी भी निकल रहे होते हैं। रोहन, परी अब रोना बंद करो,
भाई बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें उनसे मिलना होगा, लेकिन अभी डॉक्टर ने मना किया है ना, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कल तुम भाई से मिलने आ जाना। परी, लेकिन रोहन। रोहन, परी मैं हूँ यहाँ भाई के पास, तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाकर थोड़ी देर आराम करो, ठीक है। रोहन परी को लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। परी रोहन की गाड़ी से उतर कर ऊपर अपने कमरे में चले जाती हैं और रोहन भी वहाँ से वापस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में निहारिका रोहन का ही वेट कर रही होती है। निहारिका, अच्छा हुआ रोहन तुम जल्दी वापस आ गए, तुम अब राजवीर का ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। रोहन, चलती हूँ मतलब तुम भाई से मिलकर नहीं जाओगी क्या? निहारिका, नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई को मुझसे ज़्यादा इस वक्त किसी और से मिलने का मन होगा, और वैसे भी अभी तो हो ही उसका ख्याल रखने के लिए, मैं चलती हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। निहारिका इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है। रोहन पीछे से उसे आवाज़ लगाकर रोकता है और उसके पास जाकर उसके गाल पर एक किस कर देता है और बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस हरकत पर निहारिका हैरान हो जाती है और अपने गाल पर हाथ रखकर बुद्ध बनकर वहीं खड़ी रहती है और दो मिनट बाद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। वहीं परी चिनू को लेकर ऊपर अपने कमरे में आती है। चिनू अभी भी बेहोश होता है। परी कमरे में आकर उसे बेड पर रखती है और पानी के थोड़े छींटे मारती हैं। परी, चिनू प्लीज़ आंखें खोलो अपनी, तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ आंखें खोलो, मुझसे बात करो। थोड़ी देर बाद चिनू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, उसे होश में आता है। उसे होश में आता देख परी उसे अपने हाथ में उठा लेती है। चिनू धीरे से बोलता है, राजकुमारी। परी चिनू की आवाज़ सुनकर उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती हुई बोलती है, क्या जरूरत थी यह सब करने की, पागल हो गए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। चिनू, मुझे पता था मेरे लिए राजकुमारी ज़रूरी है और मेरी राजकुमारी के लिए राजवीर, इसीलिए मैंने खुद से पहले राजवीर का सोचा। परी, मैंने कहा था ना चिनू कि मुझे नहीं चाहिए हीरा, फिर भी तुमने अपनी और राजवीर की जान इस चीज़ के लिए खतरे में डाली। चिनू, तुम सब कुछ भूल चुकी हो राजकुमारी, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं। परी, क्या मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते? ओहो चिनू, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? परी, मेरा नाम तो परी। इतना बोलते हुए परी अचानक से चुप हो जाती है। चिनू, क्या हुआ, अजीब लगा है ना, और लगना भी चाहिए क्योंकि हम हो है ही नहीं जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अपने आप को देखो राजकुमारी, तुम अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपना पहनावा सब कुछ भूल चुकी हो। हम इंसान नहीं हैं, यह पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारी जड़ें परिस्तान से जुड़ी हुई हैं। तुम परी नहीं राजकुमारी टियाना हो, हमारी परिस्तान की होने वाली महारानी। चिनू की बात सुनकर परी को एहसास होता है कि इतने महीने यहाँ पर रहने के बाद वह सचमुच में अपनी असली पहचान भूल चुकी थी। उसने अपने आप को बिल्कुल यहाँ के माहौल में ढाल लिया था, जैसे वह भी एक सब लोगों की तरह एक आम इंसान ही हो। परी को इस तरह चुप देकर चिनू उसके पास आता है और उसे बोलता है, चिनू मैं जानता हूँ राजकुमारी, इतने दिन यहाँ से रहने के बाद यहाँ की चीज़ से लगाव हो चुका है तुम्हें, लेकिन तुम जानती हो हमारा भविष्य यहाँ नहीं है, हम किसी भी साधारण इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बता सकते, वरना तुमने राजकुमारी आरा की कहानी तो सुनी ही होगी। चिनू परी को अपना हाथ आगे करने का इशारा करता है। हाथ आगे करते ही चिनू परी की हथेली पर आग बंद करके धीरे से फूंक मारता है, जिससे वह हीरा परी के हाथ में आ जाता है। चिनू परी से बोलता है, अब तुम जानती हो राजकुमारी, मेरे पास भी अब शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, हमें जल्द से जल्द परिस्थान जाना ही होगा,
इस हीरे को अपनी मुट्ठी में बंद करके आंखें बंद करो और परिस्थान को याद करो। हम लोग कहाँ पर हैं, यह संकेत परिस्थान में पहुँच जाएंगे और वे लोग जल्द से जल्द हमें लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। चिनू की बात सुनकर परी उदास मन से हीरे को लेकर परिस्थान को याद करने लगती हैं। तभी आंखें बंद करने पर उसे राजू नज़र आता है और वह झटके के साथ हीरे को अपने से दूर कर देती है। चिनू, क्या हुआ राजकुमारी, आपकी सोच में खो गई? अब तो हीरा भी हमारे पास है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। परी, मुझे पता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकती। मेरा मतलब है, मैं राजवे से बिना मिले यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर हम यहाँ से एक बार चले गए तो फिर दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। मैं बस एक आखिरी बार राजवे से मिलना चाहती हूँ। चिनू, ठीक है लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, चलो सो जाते हैं, रात भी बहुत हो गई है और तुम और मैं दोनों थक गए हैं। परी और चिनू सोने चले जाते हैं। परी बेड पर लेटी हुई बस राजीव के बारे में ही सोच रही होती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। बस कल का ही दिन है मेरे पास, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। बस कल सिर्फ एक आखिरी बार मैं तुम्हें देख पाऊँगी। तुम मुझे बहुत याद आओगे राजीव। कल के बाद परी और राजीव की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। राजवीर के बारे में सोचती हुई परी की आंख लग जाती हैं।